हमें से ज़्यादातर लोग खुद कोई काम ना करने के बहाने ढूंढने, कोई काम ना हो पाने का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने और अपने हालातों के लिए ऊपर वाले या किस्मत से शिकायत करने में बहुत माहिर होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उनकी कहानी आपको हिम्मत देगी अपने हालातों से लड़ने की और हौसला देगी उन हालातों से बाहर आने का। मैं आनंद आर्नल्ड हूँ। बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है। मैंने 50 टाइटल जीत लिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिला के। पहला टाइटल जो मेरा रहा था वो था 13 साल की उम्र में मिस्टर गोल्डन का। मिस्टर इंडिया मैं रहा 4 बार, मिस्टर वर्ल्ड रहा यूरोप में 2016 में, 2018 में मैं लास वेगस में मिस्टर ओलंपिया मैंने जीता है, वहाँ पर सेकंड प्लेस होल्डर और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। कोलंबस ओहायो में मैंने जीता है बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। टोरंटो में मैंने जीता है बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। आनंद आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में तमाम नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं। पर जानते हैं इससे भी खास बात क्या है? आनंद ने कामयाबी व्हीलचेयर पर बैठकर हासिल की है। जी हाँ, आनंद का आधा शरीर पैरालाइज्ड है। ये सही है कि आप भारत के पहले व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर हैं? जी, फर्स्ट एंड ओनली वन। और ये सफ़र मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा था। मैं जब व्हीलचेयर पे आया तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा, बट कुछ ऐसा संजोग बने कि मेरा स्टूडेंट था वो मेरे को जो है जिम उन्होंने मेरे को लेके गए। और 3 साल एक्चुअली मैं बेड पे रहा था, मेरे हाथ भी जो है वो डेड हो गए थे, जैसे मेरे पैर नहीं चलते, हाथ भी ऐसे ही हो गए थे। बट फिजियोथेरेपी मैंने अच्छे से करी 3 साल, और उसके बाद में जाके मेरे को उन्होंने बैठना उठना सिखाया। तेरह साल की उम्र में आपने अपना पहला टाइटल बॉडी बिल्डिंग में जीता। जी जी। लेकिन मुझे केवल लगता है 13 साल का बच्चा, मतलब और खेल कूद तो समझ में आते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचिए थोड़ा अजीब सा लगता है। बॉडी बिल्डिंग का ऐसा था कि मैं 11 साल की उम्र से घर पे ही मैं डंड बैठके लगाता था, तो घर में ही काफ़ी मेरा शरीर बिल्ड हो गया था, मसल्स काफ़ी अच्छे बिल्ड हो गए थे, पैक्स। और जब मैंने 13 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया तो वो जो है उसको और कंडीशनिंग मिल गई। अब आप सोचिए 11 साल की उम्र से एक बच्चा इतनी पैशनेटली एक्सरसाइजेस कर रहा है, फिर 13 साल की उम्र में वो एक टाइटल भी जीत जाता है। जी, सब सपने हर बच्चा देखता है, उसके बाद सडनली वो सपना टूटता है, कुछ ऐसा होता है उसकी ज़िंदगी में कि ऐसा लगता है कि अभी सपना खत्म। क्या हुआ आपके साथ? बस ऐसा ही हुआ था कि 14 साल की मुझे उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टॉप करनी पड़ी, क्योंकि लोअर स्पाइन में कैंसर था और एक्सरसाइज में कर नहीं पाता था, वेट उठाता तो पेन होती थी, तो इवन कि मेरे लिए खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। एक रात मुझे अटैक पड़ा, बहुत पेन हुआ मुझे, जो कैंसर का पेन होता है, बहुत बुरी तरह पेन हुआ। तो मुझे लेके गए हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर ने जब एक हफ्ते में सारा एग्जामिन करके उसने जब डिक्लेयर किया कि हाँ कैंसर है, तो मेरे मॉम डैड को उन्होंने बताया, तो वो मेरे मॉम डैड मुझे नहीं बता रहे थे, तो वो डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि जल्दी आपको पेपर पे साइन करना होगा, अदरवाइज़ आपके बेटे की जो है एक हफ्ते में डेथ हो सकती है। तो मॉम को रोते हुए मैंने देख लिया, तो फिर मैंने फिर कहा, पूछा, मम्मी क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? कहते डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि एक हफ्ते में अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो कैंसर से डेथ हो जाएगी। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा डू यू बिलीव इन जीसस, तो शी सेड यस। तो मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो? मुझे डर बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम कि कैंसर क्या होता है, उससे ऐसे डैमेज हो जाएगा, मैं व्हील चेयर पर आ जाऊँगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बट जब मैं ऐसे पूरा हिस्सा मेरा डेड हो गया, तब मुझे पता चला कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, कि इससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। मेरे मॉम मेरे को फीड करते थे, मेरी सिस्टर्स मुझे फीड करती थी, एक जैसे 6 महीने के बच्चे को केयर करना पड़ता है ऐसे मुझे केयर करते थे, मेरे कपड़े चेंज करवाते थे, सब कुछ वही करते थे। एक मेरे सिस्टर हैं, वो यहाँ पे CMC में डॉक्टर थे, तो वहाँ पे तब आए थे डॉक्टर केसी,
जो कि अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने बोला था कि आनंद तू जाना उनसे, ज़रूर मिलना, वो तेरे लिए चेकअप करेंगे तेरा और कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने सारा चेकअप किया मेरा, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया। तो कहते बेटा देखो ऐसी बात है कि दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं बनी जो आपको ठीक कर सके। कहते यू हैव टू कंटिन्यू योर लाइफ ऑन व्हील्स। तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, क्योंकि मेरे बहुत से ड्रीम्स थे कि मैं भी एक आम इंसान जैसे जीऊँगा। तो बट जैसे ही उनके ऑफिस से मैं बाहर निकला, तब मेरी आँखों से ऐसे पानी निकल रहा था जैसे कोई टैप खोल देता है। सोचिए उस बच्चे की स्थिति जो 13 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हो और एक झटके में वो सारे सपने टूट जाएं। ऊंची उड़ान भरने की चाह रखने वाला बच्चा बिस्तर से बंध जाए और मजबूत शरीर के लिए पहला अवार्ड जीतने वाले का आधा शरीर काम करना ही बंद कर दे। कोई भी इंसान इन हालातों में निराशा और डिप्रेशन से घिर जाएगा, और यही हुआ आनंद के साथ भी। उन 3 सालों में एवरी नाइट आई क्राइड एंड आई प्रे टू गॉड। मैं खुश दिखाता था कि लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ, बट ऐसा था नहीं कुछ। एवरी नाइट आई क्राइड टू ऑन मी ऑन माई कंडीशन, और बस ऐसे ही था, जी रहा था। जैसे कि एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है घर पे, उसको खाना दे दो, है ना, बस ऐसे ही था, कुछ था नहीं। सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में कितनी मोबिलिटी है, मतलब कितना हिस्सा मूव कर पाता है और कितना बिल्कुल मूव नहीं कर सकता? एक्चुअली मैं 100% मैं लोअर पार्ट जो है मैं नहीं चला सकता अपना। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है ये कैलिपर्स मैंने पहने हैं, इसको लॉक, नी को लॉक करके फिर मैं वॉकर पे बेबी स्टेप्स में लेता हूँ। और ये तब से ऐसी ही हालत है? हाँ ऐसे ही। कभी वाइफ ने कहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, जब वो 3 साल थे या उसके बाद जब जिम भी लौटे तो जो तकलीफें हुई, कभी लगता था भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ उन 3 सालों में एवरी डे आई आस्क टू गॉड कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। बहुत से लोग ऐसे थे जब मैं एडमिट था, वो आते थे और बोलते थे, टॉन्ट करते थे कि इसने कुछ गलत काम किए होंगे अपनी लाइफ में, पाप किए होंगे, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। जब मेरे को घर लेके गए काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 1 महीने बाद, तो मुझे जिस दरवाजे से मैं खुद आता था, खेलता भागता हुआ, और उसी दरवाजे से मुझे अंदर लेकर आ रहे थे 4 लोग स्ट्रेचर पे। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और वहाँ का कैंपस का हर एक बच्चा, हर एक बड़े मुझे देख रहे थे कि शायद ये किसी मरे हुए की लाश लेकर आ रहे हैं, शायद ये किसको लेकर आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे को कैसे लोग देख रहे हैं, बट फिर लाइफ चेंज होगी तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट करना कि मैं अब व्हीलचेयर पर्सन हूँ, वो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं 3 साल में ऐसे ही डिप्रेशन में ही था। मेरे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे को बहुत करेज करते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत मतलब कि प्यार करते थे कि हमेशा की मतलब कि कभी मेरे को, बट कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा टॉन्ट करते थे, जो मुझ पर हंसते थे, ऐसी नज़रों से देखते हैं लाचार है ये, ऐसे अपाहिज है, वो मेरे से पूछते थे तू क्या करेगा आने वाली लाइफ में। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एंडोर्समेंट्स करूँगा, ऐसे एज अ मॉडल बनूंगा। तो वो मेरे को कहते कहते तू, उनकी नज़र में, एक आम इंसान की नज़र में मॉडलिंग करना क्या होता है, एक रैंप चलना होता है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था, कहते तू कैसे मॉडलिंग करेगा, कहते क्या तू रैंप पे, कहते तू स्क्रॉल करेगा, तू रेंगेगा, तू ऐसे करेगा। तो मैंने उनको हंस के बोला था, मैंने कहा अगर मेरे को काम मिलेगा तो मैं ये भी कर लूँगा। तो उस टाइम मेरी सिस्टर सुन रही थी, किचन में थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो बट आज की डेट में वो लोग देखते हैं मेरे को, और मेरी सिस्टर मेरे पे प्राउड करती है बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर्स, मेरी मॉम मेरे को इतना प्यार करते हैं कि वो मेरा गुस्सा भी सहते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे।
तो फिर मेरे को जब मैं गुस्सा कर देता था फिर मेरे को रिलाइज होता था नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी तो बट वो मुझे इतना प्यार करते थे मेरा मेरी सारी चीज़ें सहते थे क्योंकि वो फील करते थे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ घुटन फील कर रहा हूँ बहुत मुश्किल था वो सब हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हम पर उस वक्त यकीन करें जब हमारा यकीन खुद पर से उठ जाए खुशकिस्मती से आनंद की जिंदगी में ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आनंद की रुकी हुई जिंदगी की डोर थामी और उसे आगे बढ़ाने में जुट गए मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको थैंक्स करता हूँ कि जो मेरे को लेने आते थे अब आज उनकी शादियाँ हो गई हैं उनके बच्चे भी हो गए हैं तो बट उस टाइम पे वो मेरे को अपना टाइम निकाल के लेने आते थे मेरे को पूरा टेक केयर करते थे जिम से लेके घर तक तो मेरे को तब मेरे माइंड में आया कि मेरे को यही करना है तो मेरा फोकस जितना भी था जितना डिप्रेशन वगैरह था मैंने वो छोड़ के मैंने कहा अब मुझे ये करना है बस दैट्स इट चलिए मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ एक समित गिल है फ्रॉम चंडीगढ़ मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा आनंद आपके ऊपर के खुदा ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है मुझे वो इंसिडेंस याद है एक बारी जब मैं आनंद को फर्स्ट टाइम जिम लेके गया था ऑपरेशन के 3 साल के बाद जब आनंद बिल्कुल बेड पे था और आनंद बिल्कुल जैसे वेट लॉस हो चुका था एकदम सूख गया था तो मैंने आनंद को कहा था आनंद लेट्स गो टू जिम एंड आनंद ने मुझे वर्कआउट करते हुए देख के बहुत इंप्रेस हुआ कि अमित यार तू इतना हैवी वेट कैसे लगा सकता है बट जब आनंद ने एक्सरसाइज लगानी शुरू की फर्स्ट डे में बूम एकदम से मसल पंप होने शुरू हो गए एंड विद इन 1 month दोबारा से नेशनल लेवल की बॉडी बिल्डअप हो गई थी आनंद की उसके बाद आनंद का करियर बढ़ता गया एंड कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ही इज दैट गाय ये फर्स्ट मेरा स्टूडेंट है जो कि मेरे को बाद में जिम लेके गया था और हमारी बहुत सी मेमोरीज ऐसी हैं जो कि अनफॉरगेटेबल है तब ऐसा था कि जब ये मेरे को ऐसे उठा के लेकर जा रहा था गोदी में उठा के मेरे को डेली जिम लेके जाता था जैसे स्कूटर बिठा के स्कूटर वहाँ पे स्टैंड पे लगा के फिर 1-2 मंजिल ऊपर था तो ये मेरे को हाथों में उठा के ही लेके जाता था तब मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया बट द थिंग इज़ कि जब मैंने वहाँ पे बैठा मैंने देखा लोगों को वही मुझे माहौल मिला एटमॉस्फेयर मिला जो कि मैं पहले करता था मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर मैंने इसको बोला कि क्या तू मेरे को रोज़ लेके जा सकता है तो कहता हाँ कहता आई लव टू डू तो मुझे मैंने फिर इसके साथ गया तो फिर उसके बाद मैंने जब शोल्डर प्रेस वहाँ पे फर्स्ट मशीन थी जो मैंने करी तो बॉडी मेरी ऐसी थी कि मतलब कि पहले सेट में ही वो पंप होनी स्टार्ट होगी तो मुझे तब हुआ कि हाँ देर इज़ समथिंग अभी भी मेरे में कुछ बचा है तब भी लोगों ने ताने मारे क्या देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है ओवर एम्बिशियस हो रहा है ये नहीं कर पा रहा थोड़े लोगों ने ऐसे ही किया था बट बहुत से लोग मुझे प्यार करते थे तो मैं वो जो नेगेटिव थिंग्स हैं मैं वो अवॉइड करता था जो पॉजिटिव लोग थे मैं उन पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता था एक मैसेज और सुनवाते हैं आपको हेलो आनंद जी ओ आप रवि भाई लाइफ में एक हीरो हो हमारी नजरों में आप एक फाइटर हो और आपने विश्व विजेता बन के दुनिया को प्रूव कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल आपका मुझे याद है जब आप डे वन से आए थे जब मेरे पास तो आप एक बड़ा पॉजिटिव माइंड लेके आए थे ठीक है और उसके बाद आपने एक सोचा कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाना है कि मुझे कुछ ऐसा करो फिर मैंने कुछ करके दिखाना है मैंने आपको जो जो आज तक बताया सिखाया वो सब प्रभु की इच्छा से ही जो हुआ जैसे भी हुआ आपने जिंदगी में जितनी स्ट्रगल की जितना आपने पॉजिटिव माइंड होके किया और मैं कामना करता हूं कि आप अभी और आगे आपकी जर्नी अभी चलेगी थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख के काफी टाइम हो गया इनको मिला नहीं मैं इन्होंने एक्चुअली देखा है कि मेरा स्ट्रगल कि कैसे मेरे को मेरे जो स्टूडेंट्स थे मेरे को उठा के लेकर जाते थे तो ही कैन अंडरस्टैंड एक बार बताइए 18 साल में आपकी फैमिली ने आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी झेली हैं क्या बहुत मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मैं पानी पी के पेट भरता था तब मेरी फैमिली जो है वो देहरादून में शिफ्ट हो गई थी और मैं अकेला लुधियाना में था इसीलिए सिर्फ कि मैं डेली जिम जा सकूँ
कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। दोस्तों और परिवार के सपोर्ट से आनंद ने हिम्मत जुटाई और जिम में सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने शरीर को वापस चुस्त दुरुस्त कर लिया। जब मिस्टर वर्ल्ड बन गया तो मैं काफी फेमस हो गया था। फिर मेरे को एक फिल्म से मुझे ऑफर आया जो कि तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने वो फिल्म में भी अच्छा मैंने रोल किया और वो भी काफ़ी फेमस हुई। तो उसके बाद में मेरे को फिर दूसरी कंपनीज हायर करने लगे, एड्स मिलने लगी। तो फिर मेरे को 2018 में मुझे जो है अमेरिका से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया मिस्टर ओलंपिया के लिए। 6 महीने मैं अमेरिका में रहा था, लास वेगस। वहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देता था चर्चेज में, स्कूल्स में और टीवी शोज में मैं वहाँ पे आता था। आज आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी से? बहुत खुश हूँ मैं। अभी भी लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता मेरे साथ तो? अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते और आप इतना दुनिया भर में शायद नाम रोशन ना कर रहे होते अपना और देश का। जी जी जी, कि खुदा की क्या मर्जी है हमारी लाइफ में हम नहीं जानते। आपके ऊपर बायोग्राफी भी लिखी गई, वो अमेरिकन ऑथर हैं? हाँ, एक्चुअली वो मुझे मिलने आए थे यहाँ पर, इंडिया में आए थे। उनका नाम है एलन वुडमैन और जब मैं 15 साल का था वो तब मुझे जानते थे। फिर उन्होंने 3 साल लगाए थे बुक लिखने में। अब आपके ऊपर शायद बॉलीवुड में एक फिल्म बन सकती है, तो अगर मैं पूछूं कि आप किसको देखते हैं आनंद आर्नोल्ड का किरदार निभाते हुए स्क्रीन पर, कौन सबसे अच्छा लगेगा? आई थिंक जॉन इब्राहिम। उसमें मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो बात नज़र आती है जो कि आई थिंक मुझे वो रिप्रेजेंट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। आनंद, कभी पलट कर उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की जिनकी किसी बात से आपको बुरा लगा हो? कभी ऐसा सोचा कि जवाब मेरी जर्नी देती है, मेरा सक्सेस देता है उनको? जब वो मुझे टीवी पे देखते हैं उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाता है। कोई जो आपने कहा कि लोग टॉन्ट करते थे, कोई ऐसी बात आज आप शेयर करना चाहेंगे जिसने बहुत हर्ट किया आपको? बहुत से लोगों ने मुझे बहुत बार हर्ट किया है, नॉट इवन सिंगल, बहुत से लोगों ने किया है, पर मैं उन चीज़ों को हंसी में उड़ा देता हूँ। दुखी होता हूँ कभी, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे दुखी होने की ज़रूरत है। अगर किसी ने मुझे डिसेबल कह के छोड़ दिया, मेरे को इंसल्ट कर दिया, तो आई थिंक कि उसने एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान उसने गवाया है, मैंने कुछ नहीं। अब आगे क्या सपने? आगे कुछ सपने हैं कि जो मेरे जैसे डिसेबल्स हैं उनको जो इज्जत प्यार नहीं मिलता, जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ऐसे सभी लोगों से जो हिम्मत हारते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और वी हैव टू लिव। आप कितने दिन दुखी रह लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल? आप ज़्यादा दिन दुखी नहीं रहेंगे। आपको हर दिन जीना चाहिए और खुश रहिए और खुशी बांटिए। तो अगली बार आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए और आप हिम्मत हारने लगें तो ज़रूर याद कीजिएगा कि अगर शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड होने के बावजूद आनंद आर्नोल्ड अपने बिस्तर से उठकर जिम तक जा सकते हैं और वहाँ कड़ी मेहनत करके मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता तक पहुँच सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकते? I'm not afraid of the dark.